Yes, आज मिल चुका है मुझे दुनिया का नंबर वन विस्की। जी हाँ, एक बेस्ट विस्की जिसका नाम है डीएसपी ब्लैक, और आज इसी को हम लोग करेंगे रिव्यू। इसको दुनिया का नंबर वन विस्की क्यों बोलते हैं आप लोगों को तो मालूम है। अक्सर आप लोग लिखते रहते कि दादा इसका रिव्यू करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना फैन फॉलोअर है इस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो ऑफकोर्स ये दुनिया का नंबर वन तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है दुनिया का नंबर वन विस्की। तो देखते हैं आज इस विस्की में क्या मिलता है मुझे, और उसके बाद एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको पीना चाहिए या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है ब्लू कुरासाओ सिरप और यह है ग्रेनेडिन सिरप। ये दोनों सिरप को अक्सर आप कॉकटेल बनाने के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों सिरप जो है ये आर्टिफिशियल मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें मेटल को यूज़ किया गया है, जो हम लोगों का बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट है ये, जी हाँ, ये संख पुष्पी फ्लावर है और यह है हिबिस्कस फ्लावर। अब इन दोनों को अगर आप हॉट वाटर में डाल देंगे तो बेहतरीन कलर निकलता है, जैसे कि ऐसा दो कलर, रेड एंड ब्लू, और वो भी कम्प्लीटली हेल्दी। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कलर, जिससे हम लोग बनाना सीखेंगे बहुत सारा कॉकटेल। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए मेरा वन डे वर्कशॉप सिर्फ 299 में। इंतज़ार करेंगे। डीएसपी ब्लैक एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्टर स्पेशल विस्की। डायरेक्टर स्पेशल विस्की एक फेमस विस्की है, बट उसका एक्सटेंशन की स्वरूप 1988 में इस पर्टिकुलर ब्रांड को लॉन्च किया गया था इंडिया में। लॉन्च किया था शॉ वॉलेस, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, जो फिलहाल डियाजियो इसको मार्केट करता है। डीएसपी ब्लैक का एक डेडिकेटेड फैन बेस है इंडिया में, और मैंने देखा है कि बहुत को बोलते हुए कि दादा ये वैल्यूड प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि इसको मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मैं जानता भी हूँ, जो एंड ऑफ द वीडियो आप भी जान जाएंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है। ऑफ कोर्स ये एक वैल्यूड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो वेस्ट बंगाल में है 680 रुपीज़, 680 रुपये। तो मैं मानता हूँ कि चलो एक बजट फ्रेंडली उसकी, तो मैंने ये मान लिया। साथ साथ इसमें कुछ चीज़ नोटिस करने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं बोलूँगा कि इसका जो बॉटल शेप है क्वाइट अमेजिंग बॉटल शेप है, और 680 में ऐसा बॉटल शेप, मतलब ऐसा पैकेजिंग क्वाइट इम्पॉसिबल है। आप अगर देखेंगे ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बजट फ्रेंडली विस्की है, और इसके पीछे, ये डिज़ाइन के पीछे क्लासन इंटरनेशनल, जो एक लंदन बेस्ड बहुत बड़ा कंपनी है, डिज़ाइन कंपनी, उन्होंने डिज़ाइन किया है इसका जो बाहर वाला बॉक्स एज वेल एज़ ये बेल शेप बॉटल, तो क्वाइट अमेजिंग बनाता है बॉटल शेप। साथ में अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे डीएसपी ब्लैक विस्की, बट नीचे लिखा है डीलक्स। अब इसके बारे में आपको क्या बताऊं, इंडिया में कुछ चीज़ चलता है जैसे कि डीलक्स, रेयर विस्की, प्रीमियम विस्की। अगर अकॉर्डिंग टू स्कॉच विस्की लॉ को आप देखते हैं या फॉलो करते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्कॉच विस्की एसोसिएशन, ये जो वर्ड है ना डीलक्स, प्रीमियम, रेयर, ये उन लॉ में पड़ता ही नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। मतलब कोई विस्की कितना अच्छा है कितना बुरा है, आप इन शब्द को प्रयोग करके नहीं कह सकते हो कि दिस इज़ द अल्टीमेट और दिस इज समथिंग यू नो डिलक्स विस्की, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्कॉच विस्की लॉ, दे नेवर गोइंग टू कंसिडर एज अ ग्रेट विस्की, और वहाँ पर कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है। तो ये इंडियन विस्की इसमें मोस्टली मिलता है, जिसका कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि इस विस्की को ओन करता है शॉ वॉलेस, जो अभी ओन करता है डियाजियो। शॉ वॉलेस जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया था, तब ये मोलासेस को यूज़ करके विस्की नाम देकर सेल कर रहा था, और इसको लेकर स्कॉच विस्की एसोसिएशन ऑब्जेक्शन किया था, और कंपनी ने कोर्ट में घसीट के लाया था स्कॉच विस्की एसोसिएशन को, और जीत भी गया था। बोला था कि हम लोग मोलासेस स्पिरिट को विस्की बोलकर बेच सकते हैं, जो इंडियन लॉ ने उसको अप्रूव भी किया था, केस जीत गया था।
तो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी। अगर इस व्हिस्की का ब्लेंड का बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि 680 में आप बहुत कुछ बिल्कुल मत सोचिए। इसमें माल्टेड स्पिरिट है, जो इंडियन माल्टेड स्पिरिट जिसको एज किया जाता है वुडन कास्क में। साथ में इसमें न्यूट्रल स्पिरिट मतलब मोलासेस को यूज़ किया जाता है, और इसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ किया जाता है। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, अगर बॉटल को घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक इन्ग्रीडियंट लिस्ट है, और ये जो इन्ग्रीडियंट लिस्ट है इसको ध्यान से पढ़िए तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मिलेगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A, जी हाँ, इसमें नेचुरल कलर को मिलाया गया है इसको डार्क दिखाने के लिए, और एडेड मिनरल नेचुरल आइडेंटिकल्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, जो आर्टिफिशियल यू नो फ्लेवर है व्हिस्की का उसको भी इसमें मिलाया गया है। तो जब भी आपको कुछ यूनिक फ्लेवर मिलेगा इस व्हिस्की से, आप जान लीजिएगा वो मोस्टली आर्टिफिशियल है। तो इंग्रीडियंट्स हमेशा पढ़िए, जब भी इंडियन व्हिस्की आप खरीदते हैं उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हिस्की बॉटल में इंग्रीडियंट्स को लिखना ज़रूरी है। तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदा है कि इसमें कलर मिला है कि नहीं, इसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंस को मिलाया गया कि नहीं, आपको पता चल जाता है। आगे से याद रखिएगा ये बात। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कोई स्कॉच व्हिस्की को ब्लेंड नहीं किया गया है, या मुझे तो नहीं दिखा इंग्रीडियंट्स लिस्ट में। अगर स्कॉच व्हिस्की ब्लेंड होता तो लिखता ब्लेंडेड विथ स्कॉच माल्ट व्हिस्की, यहाँ पर वो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर स्कॉच का नामोनिशान नहीं है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इस व्हिस्की का यू नो करिश्मा, क्योंकि इतने बंदे जब बोला है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, इस व्हिस्की में कुछ ना कुछ तो है जो मुझे टेस्ट करना चाहिए। देखता हूँ अभी टेस्ट करने से पता चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। कलर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डार्क कलर है इस व्हिस्की का, और ये डार्क कलर कैरामेल से अचीव किया गया है, आर्टिफिशियल कलर से अचीव किया गया है 150A से। और विस्कोसिटी का बात करूँ तो ये बहुत ही नॉमिनल एक व्हिस्की लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा डेप्थ है इस विस्कोसिटी में, क्विकली नहीं आ रहा है, तो माउथ फील अच्छा दे सकता है। चलिए नोज करते हैं। मैं एक चीज़ नोटिस किया है कि जैसे इस व्हिस्की के बारे में बहुत बुरा भी कहा जाता है और भला भी कहा जाता है, हालांकि मेरे पास जितने भी सजेशन आए सब बोला कि दादा ये व्हिस्की 680 में खड़ा उतरता है, आप इसको जज करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। उस चीज़ को उस कमेंट्स को ध्यान रखते हुए मैं बोलूँगा कि नोज में स्ट्रॉन्ग तो है बट उतना भी नहीं है। मैं अगर डायरेक्ट स्पेशल इसका जो रेगुलर ब्रांड का बात करूँ तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा था मुझे, बट ये लाइट है। एंड इवन इफ आई एम टेलिंग यू नो रॉयल सेक, इफ आई एम कंपेयरिंग विद रॉयल सेक, इवन रॉयल चैलेंज, तो भी ना ये मुझे लाइट लग रहा है थोड़ा सा। बट या यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडियन व्हिस्की है, वो भी एक बजट फ्रेंडली व्हिस्की है। मेनली रॉ स्पिरिट का जो नोट है वो मुझे मिल रहा है, आप प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हैं यंग स्पिरिट का, साथ साथ आप यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग नोट को भी एहसास कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इसमें हल्का उडी नोट आप नोटिस कर सकते हैं। एंड हिंट ऑफ स्पाइस मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का स्पाइसी नोट भी आप नोटिस कर सकते हैं, पेपरी स्पाइस मैं बोलूंगा। चलिए पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग व्हिस्की, ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग व्हिस्की, बट मैं बोलूँगा कि ये जो ये स्ट्रॉन्ग है मतलब ज़बरदस्त पंच देता है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्हिस्की है भाई। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कैसे, किसी ने बोला है कि इस व्हिस्की को पीने से हैंगओवर नहीं होता है, तो मैं आज रात को पीऊँगा और देखूँगा कि मेरा
हैंगओवर होता है कि नहीं हो रहा है, तो अभी तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि सच में ये सच में हैंगओवर देते हैं। बट इनिशियल जो स्ट्रांगनेस है काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्ट्रांग उसकी है। आप मोलासेस को प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो और इसमें काफ़ी हद तक स्पाइसी नोट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जब आप पीते हो तो वो स्पाइसी नोट काफ़ी डिटेक्ट करता है आपका माउथ में। बट इतना डोमिनेटिंग स्पिरिट है, स्पिरिट का इतना डोमिनेटिंग टेस्ट है कि आपका पैलेट को पूरा बर्न कर लेता है, और तो और आप फील कर सकते हो जब ये नीचे की तरफ जाता है। सो मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग विस्की है। अब अगर मैं इस स्ट्रांगनेस के साथ रॉयल चैलेंज का या ब्लेंडर स्प्राइट का मैं नहीं करूँगा, काफ़ी स्मूथ इसकी है, रॉयल चैलेंज का मैं बोलूँ, रॉयल स्टैग बोलूँ, 8 PM मैं बोलूँ, तो ना मैं बोलूँगा सिमिलर तो नहीं है, बट हल्का स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा जैसा कि मुझे रॉयल स्टैग ने एक्सपीरियंस किया था, मैं किया था और यू नो रॉयल चैलेंज में मैंने किया था। 8 PM भी मुझे स्ट्रांग लगा था एज कम्पेयर टू दिस। स्ट्रॉन्ग उतना नहीं लग रहा है, हालांकि पंच तो है, जो इंडियन व्हिस्की का पंच है वो है। आफ्टर टेस्ट में आपको हल्का उडी नोट मिलता है, हल्का स्वीटनेस का एहसास देता है और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का पंच देता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस DSP ब्लैक के साथ। अब अगर कंक्लूशन का बात करूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो मैं उन सब्सक्राइबर को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा जो लोग अक्सर बोला करते हैं कि दादा इस व्हिस्की में कुछ तो बात है। जी हाँ, इस व्हिस्की में कुछ बात है, जैसे कि ये व्हिस्की स्ट्रांग होकर भी आपको आफ्टर टेस्ट में काफ़ी सूदिंग लगता है, उतना स्ट्रांग नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये अकॉर्डिंग टू प्राइस जस्टिफाई करता है एज एन गुड व्हिस्की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एक अच्छा व्हिस्की पी रहे हो। देखिए प्राइस जो है 680, इट्स टू लो, इट्स टोटली अ बजट फ्रेंडली व्हिस्की। इवन इसमें कोई स्कॉच व्हिस्की का मिलावट नहीं है, यहाँ मिलाया नहीं गया है, नॉट इवन 2%। फिर भी मैं बोलूँगा कि जो इंडियन मॉल्ट स्पिरिट को या मॉल्ट व्हिस्कीज को इसमें डाला गया है वो क्वालिटी व्हिस्कीज है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर भी देता है, थोड़ा बहुत टेस्ट पहले में सुधार भी डालता है। तो ओवरऑल मैं इसको काफ़ी आगे रखूँगा एज़ कम्पेयर टू रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, 8 PM और उसी सेगमेंट में इवन इम्पीरियल ब्रू से भी मैं DSP को आगे रखूँगा। आप एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ना ये व्हिस्की अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा बट अच्छा बिल्कुल लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हो।